Good morning, dear students. Today, the chapter which we are going to take is the chapter that is based upon a very beautiful relationship, that is friendship. You all children have your friends, your besties. You have friends at home, in your neighborhood, in your relatives. You have your friends and you find those friends like very close to you. ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर भी उस खूबसूरत रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है, फ्रेंडशिप को. और ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट डज इट वांट टू कन्वे अस. इट वांट्स टू कन्वे अस कि पहले ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग. कि दोस्तों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आपके दोस्त ने कुछ गलत किया. क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके दोस्त ने कुछ कभी गलत किया है? What did you do then? अगर आपको ऐसा कभी लगा कि आपके दोस्त से कोई गलती हो गई, उसने कुछ गलती की है, तो आपने क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? Or did you tell your friend what you thought? या आपने आपके मन में जो विचार आया, जो आपके फ्रेंड ने गलती की, आपने उससे बारे में बात की, आपने दोनों में से क्या किया? अब हम ये जो स्टोरी है, ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनिमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. कोई अगर हमारा दोस्त है, हम उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहे हैं, तो या तो दोस्ती हो रही है या फिर दुश्मनी हो रही है. सवाल ये उठता है कि दोस्ती या दुश्मनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या सही या गलत कई पहचान करना और सही का साथ देना ज्यादा जरूरी है. तो ये जो स्टोरी है हमारी, द नेम ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड फेयर प्ले. इसका फर्स्ट पार्ट है. कहानी को हमने दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. कहानी जो है हमारी बड़ी ही स्मूथली रन करती है और हमारे एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे करती है. तो लेट अस रीड द स्टोरी. फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली एंड बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. कि दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख इतने ज्यादा अच्छे फ्रेंड थे कि दोनों में से अगर कोई गांव से बाहर जाता था, किसी काम से बाहर जाता था, तो दूसरा व्यक्ति उसके परिवार की देखभाल करता था और उनकी दोनों की गांव में बहुत रेस्पेक्ट थी. जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी एंड देन शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड टू लुक आफ्टर हर. कि जुमन की एक बूढ़ी आंटी थी, बूढ़ी चाची थी, जिसके पास प्रॉपर्टी थी और उन्होंने वो प्रॉपर्टी उसकी, जुमन की चाची ने वो प्रॉपर्टी जुमन के नाम कर दी, ये सोचते हुए कि अब ये जुमन जो है मेरी देखभाल करेगा. मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जायदाद की देखभाल नहीं कर सकती हूँ, मैं जायदाद अपने भतीजे को दे देती हूँ, तो ये मेरी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर. कुछ सालों तक तो ये सही चला कि उन्होंने जायदाद दे दी थी, तो कुछ सालों तक तो उन्होंने बहुत अच्छे से जुमन की आंट की, जुमन ने और उसके परिवार ने सेवा की. Then the situation changed. लेकिन उसके बाद जो है सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली जो है वो अपनी बूढ़ी रिश्तेदार से बुरी तरह से दुखी हो चुके थे. जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. और उतना ही इनडिफरेंट हो गया था. इनडिफरेंट होना मतलब इग्नोरेंट होना, लापरवाह होना, जितनी की उसकी वाइफ थी. यानी उसकी वाइफ भी उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी और जुम्मन भी करने लगा. तो हर रोज थोड़े थोड़े खाने को लेकर भी, उसकी जरूरतों को लेकर भी उनका झगड़ा होने लगा. शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट. अब कुछ दिनों के लिए तो जुम्मन की आंट ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन धैर्य की एक सीमा होती है और एक दिन उनके धैर्य का बांध टूट गया, उनसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ. तो वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. उन्होंने जुम्मन से बोला, My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. Allowance होता है एक खर्चा महीने का जो किसी को दिया जाता है, जो हमारी जिम्मेदारी हो उसे. तो भत्ता कहते हैं हिंदी में, but allowance means a certain amount of money which is given to somebody to make her meet the
बोथ एंड्स मीट, उनका काम चल जाए, गुजारा हो जाए, गुजारा लायक खर्चा देना अलाउंस कहलाता है। तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि अब तुम्हारे घर में मेरी कोई कदर नहीं है, तो तुम मुझे मंथली अलाउंस दो, मुझे मंथली खर्चा दो ताकि मैं अपना किचन अलग कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब जुम्मन ने बड़ी बेशर्मी से उसको जवाब दिया कि मेरी वाइफ बहुत अच्छे तरह से जानती है कि घर का खर्चा कैसे चलाना है, एंड यू बी पेशेंट, आप शांति रखो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब इससे जुम्मन की आंट को बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि वो इस मामले को विलेज, गांव की पंचायत में लेके जाएगी। अब शहरों में तो कोर्ट्स होते हैं, कोई झगड़ा होता है तो हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, गांव में पंचायत होती है और पंचायत का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, पंचायत के फैसले को पूरी पूरी रेस्पेक्ट दी जाती है, उनको माना जाता है। तो उसने कहा कि उसकी आंट ने बोला कि मैं ये जो केस है, ये जो मैटर है तुम्हारा, इसको मैं पंचायत में लेके जाऊंगी। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक वो ओल्ड लेडी जो है विलेज में कभी किसी के पास कभी किसी के पास जाती रही, उन्हें अपनी सारी, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि भी मैंने तो ऐसे ऐसे दे दी मेरी सारी जायदाद और अब वो जुम्मन और उसकी बीवी मेरा खर्चा नहीं उठाते। वो क्यों कर रही थी ऐसा? ताकि लोग उसे सपोर्ट करें, उसके हक में बोले। सम सिंपेथाइज्ड विद हर। अब तो लोगों के अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए। कैसे? सम सिंपेथाइज्ड विद हर। अब ऐसा तो नहीं होता है कि आप किसी के सामने अपनी दुख अपनी तकलीफ रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और वो सब आपकी बात समझ जाएंगे और आपकी बात से एग्री करेंगे। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपकी बात का मजाक भी उड़ाते हैं, आपसे हमदर्दी जताते हैं, लेकिन फिर पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाते हैं। तो सेम वही जुम्मन की आंट के साथ हुआ। कुछ ने हमदर्दी दिखाई, अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उन पर हंसने लगे, एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ ने उन्हें सलाह दी। क्या सलाह दी? टू मेक इट अप विद हर निफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो अपने भतीजे से और उसकी वाइफ से जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, समझौता कर ले। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। फाइनली वो अलगू चौधरी के पास आई, क्योंकि अलगू चौधरी तो उसका दोस्त था, उसके पास आई और उनको बोली, यू नो चाची, वो बात करने के बाद अलगू बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, बट इज इट राइट माई सन To keep numb, mum, and to say what you consider just and fair. तो आंटी ने, चाची ने उसकी बात सुनी और बोला कि बेटा ठीक है, तुम दोस्त हो उसके, तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन क्या ये ठीक बात है? क्या आपको मम रहना चाहिए? मम यानी सुन, न्यूट्रल रहना। क्या आपको न्यूट्रल रहना चाहिए? क्या आपको चुप रहना चाहिए? क्या आपको न्याय के लिए और सही बात के लिए बोलना नहीं चाहिए? कम टू दी पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। उन्होंने कहा कि बेटा प्लीज आप पंचायत में आना और जो सच्चाई है, जो सच है, आप उसका साथ देना। अलगू डिंट रिप्लाई। अब अलगू ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन जो अलगू की, इसकी जुम्मन की चाची, उसको बोल के गई कि बेटा चुप रहना न्याय करना नहीं है, चुप रहना भेदभाव करना होता है, तो क्या आप भेदभाव करोगे? क्या आप अन्याय करोगे? तो उसके कानों में ये बातें अलगू की, जुम्मन की चाची की ये बातें अलगू के कानों में गूंजती रही। अब पार्ट टू बिगिन होता है कि जब पंचायत लगती है गांव में तब क्या होता है। दी पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। एक पुराने बनियन बरगद के पेड़ के नीचे उस शाम को पंचायत लगी। तो जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है, यानी पंच जो होते हैं वो निष्पक्ष रूप से फैसला लेते हैं। तो लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो अब मैं अपनी आंट को मौका देता हूँ, अपनी चाची को मौका देता हूँ कि वो हेड पंच जो है, सरपंच जो है, वो चुन ले अपने आप इन सभी लोगों में से, एंड आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। मैं उनके डिसीजन से सहमत रहूंगा। दी पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, दी ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक।
तो जो जुम्मन की चाची थी वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि पंच जो होता है वो ना तो दुश्मन जानता है ना दोस्त जानता है। क्या कहते हो अलगू चौधरी? मैं अलगू चौधरी को अपना पंच बनाती हूँ। और जुम्मन ये सुन के अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला कि ओके ठीक है जैसा आपको लगे। वो तो खुश हो रहा था। किस किस चीज को लेके खुश हो रहा था? कि भाई इसने तो मेरे दोस्त को, मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ही पंच बना दिया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने चाची से कहा, चाची क्या आप जानती हो कि जुम्मन मेरा दोस्त है? तो आंटी बोली, हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं दबाओगे, अपने जमीर को नहीं मारोगे अपनी दोस्ती के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि एक पंच के हृदय में भगवान का वास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज भगवान की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और मुझे विश्वास है कि सही फैसला लिया जाएगा। और उसने सारी की सारी बात जो है बता दी। अलगू बोला, सारी बातें सुनने के बाद, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी आंटी भी मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम्हें प्रिय है, वो मेरे लिए उतना ही सम्मान है। लेकिन अब मैं एक पंच हूँ और मैं मेरे लिए सभी बराबर हैं। तो मैं ये फैसला करता हूँ कि क्या तुम्हें, फैसला करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कुछ कहना है? 3 years ago बिगिन जुम्मू, जुम्मन ने कहा कि 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे मुझे ट्रांसफर कर दी। एंड आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर, मैंने प्रोमिस किया था कि मैं उसे सपोर्ट करूंगा एज लॉन्ग एज शी लिव। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। लेकिन देर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वर्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी वाइफ के बीच में और उसके बीच में झगड़े हुए, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता क्योंकि मेरी आंट जो है वो हर रोज मुझसे मंथली खर्चा मांग रही हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ। अब जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन, अलगू ने और बाकी लोगों ने उसे क्रॉस एग्जामिन किया, यानी उसे और सवाल पूछे। फिर फाइनली अलगू ने अनाउंसमेंट किया कि वी हैव गोन इन टू द मैटर केयरफुली एंड इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। तो अलगू बोला कि हमने सारी बात अच्छे तरह से सुनी, सारा केस अच्छे तरह से समझ लिया, और हम इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली खर्चा देना पड़ेगा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब ये फैसला तो हो गया, लेकिन फैसले का क्या नतीजा निकला कि जुम्मन अलगू से बुरी तरह से कटने लगा। वो उससे बुरी तरह से गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि उसने उससे देखने से भी मना कर दिया। और दोनों परम मित्र जो थे, बहुत इतने प्यारे जो दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे, वो दुश्मन बन गए। अब लास्ट पार्ट इसका बिगिन होता है। वो क्या हुआ कि डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट यानी मुश्किल में आना, बुरा समय होना। समय बीतता गया, दिन पे दिन बीतते चले गए, और क्या हुआ कि अलगू चौधरी के घर थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत आई, उसका हाथ तंग हो गया। हाथ तंग होना यानी उसके पास पैसे की कमी हो गई। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड, उसका बैलों का एक जो अच्छा बैलों का जोड़ा था वो मर गए, उनमें से एक मर गया। एंड ही सोल्ड दी अदर टू समझू साहू, और उनमें से एक उसने समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू क्या था? वो एक कार ड्राइवर था ऑफ द विलेज, विलेज का एक कार ड्राइवर था। तो द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट कि ये जो राजीनामा हुआ था उनका, किस शर्त पर दिया था उसने अपना बुल? इस शर्त पर दिया था कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, कि एक महीने के अंदर साहू, समझू साहू, इस बुलॉक की कीमत देगा, पैसे देगा। इट सो हैपेंड, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद बुलक जो है, बैल जो है, समझू साहू के घर मर गया। अब सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, अलकू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी। कई महीनों के बाद जब बुलॉक मर गया और समझू साहू ने उसको पैसे नहीं दिए अलगू को, तो अलगू ने उसे रिमाइंड कराया कि भाई तुमने मेरा बैल लिया था और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, अब तो महीनों बीत गए, मुझे पैसे दो। समझू साहू ने मना कर दिया कि नहीं, वो मर गया बैल तो मैं उसके पैसे क्यों दूं, तुमने मुझे बीमार बैल दिया था। अब अलगू को गुस्सा आया, उसने इस मैटर को पंचायत में ले जाने का डिसीजन लिया।
The panchayat hui. The panchayat was held under the banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the panch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head panch and I will abide by his decision." बिल्कुल वैसे ही जैसे जुम्मन की आंट ने कहा था कि जो पंच की आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है, तो समझू साहू को मैं हेड पंच नॉमिनेट करता हूँ, जो भी उसका डिसीजन होगा मुझे मंजूर होगा। अब साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू ने देखा कि मामला तो बिल्कुल मेरे फेवर में आ रहा है और जुम्मन इसका दुश्मन बन चुका है अब, और जुम्मन के खिलाफ इसने फैसला दिया था, तो मैं जुम्मन को पंच बना देता हूँ। उसने जुम्मन को पंच बना दिया। अलगू's heart sank and he turned pale। अलगू का जी जो है, दिल जो है, वो बैठ गया, यानी उसको बड़ा डर सा लगने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि उसने जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया था और अब शायद जुम्मन उससे बदला लेगा, क्योंकि वो तो उसका पक्का दुश्मन बन गया था, वो तो उससे बात भी नहीं करता था। हालांकि जुम्मन ने कुछ अलगू ने कुछ गलत नहीं किया था, उसने सही किया था, लेकिन फिर भी उसे ये डर लग रहा था कि अब जुम्मन उससे इस चीज का बदला लेगा। अब द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ द पोस्ट। जो वो उसका काम उसे मिला, जैसे ही जुम्मन को वो बनाया गया, अचानक से उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागी और उसे एहसास हुआ कि पंच बनना काफी मुश्किल का काम होता है और ये समय किसी से दुश्मनी निकालने का समय नहीं होता। पंच का काम एक फेयर डिसीजन, एक साफ सुथरा बिना भेदभाव का डिसीजन लेना होता है। सो उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपने जजमेंट के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए था। तो बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों ने अपना अपना केस बताया, दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया एंड फाइनली जुम्मन ने फैसला सुनाया कि समझू साहू ने जब बैल लिए, बैल स्वस्थ थे, दे वर वेरी हेल्दी, और वहां उसने उससे काम लिया एक महीने तक और उसके बाद बैल मर गए, तो अब समझू साहू को बैल की पूरी कीमत जुम्मन को देनी पड़ेगी। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड। जब ऐसा सुना तो अलगू की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि ये पंचायत की जीत है, पंच की वाणी ही ईश्वर की वाणी होती है और ये न्याय है। ऐसा कहने के बाद जुम्मन सीधे अलगू के पास आया, उसे गले लगाया और बोला कि जब लास्ट पंचायत हुई थी तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन जब मैं पंच बना तो मुझे ये रियलाइज हुआ, ये समझ में आया कि एक पंच सिर्फ एक पंच होता है, उस पंच का ना तो कोई फ्रेंड होता है ना ही एनिमी होता है, उसे सिर्फ पता होता है न्याय, कि न्याय कैसे करना है, और उसके आगे फ्रेंडशिप और दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती और सच का साथ देना चाहिए, सच्ची बात का साथ देना चाहिए। अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा और उसके आंसुओं में उसका सारा गुस्सा, सारी की सारी उसकी दुश्मनी बह गई। तो ये जो स्टोरी लिखी हुई है, ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई स्टोरी है जिसे हमने शॉर्ट करके, प्रिसाइज करके यहाँ पर लिखा है। तो दी थीम ऑफ द स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये बता रहे हैं कि सच्चाई का ही हमेशा साथ देना चाहिए, हमें किसी गलत चीज का साथ नहीं देना चाहिए। आई होप चिल्ड्रन यू माइट हैव लाइक द स्टोरी मच एंड यू आर एबल टू डू द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द चैप्टर।